वेलकम टू सोशल। फिल्म संजू से सभी के सामने संजय दत्त की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है, जिसे रणबीर कपूर ने बखूबी निभाया है। हम समझ सकते हैं कि एक ढाई घंटे की फिल्म में संजय की पूरी स्टोरी नहीं दिखाई जा सकती थी, पर फिल्म में काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स और सिचुएशंस हैं जो दिखाए भी गए, पर फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑडियंस को नहीं दिखाई गई। तो इस वीडियो में हम आपको संजू फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो रियलिटी में तो हुई थी पर फिल्म का हिस्सा नहीं बनी। नंबर वन, फिल्म में दिखाया गया है कि संजय की ड्रग एडिक्शन का पता नरगिस को बिल्कुल भी नहीं था, पर सच्चाई ये थी कि संजू की फैमिली में नरगिस को ही सबसे पहले पता चला था कि संजू ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने ये बात सुनील को कभी नहीं पता लगने दी और वो बहुत कोशिश करती रही कि संजू की ड्रग्स की लत छुड़वा सके। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि सुनील संजू को नरगिस की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उसी तरह नरगिस ने भी संजू के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसमें उन्होंने संजू को रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें ड्रग्स छोड़ देने चाहिए क्योंकि फ्यूचर में वो खुद उनकी मदद करने के लिए जिंदा नहीं रहेंगी। नंबर टू, फिल्म में संजू की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू नहीं दिखाया गया है, वो है उनकी ऋचा शर्मा के साथ शादी। शायद ये चीज़ इसलिए नहीं दिखाई गई क्योंकि इससे संजू के कैरेक्टर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता, क्योंकि संजू ने ऋचा को उस वक्त डाइवोर्स दिया था जब ऋचा ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से जूझ रही थी। ऋचा ने संजू के साथ सुलह करने की बहुत कोशिश की पर संजू ऋचा के साथ नहीं रहना चाहते थे। ऋचा ने एक मैगजीन के इंटरव्यू में बताया था कि उनके डाइवोर्स का रीज़न माधुरी दीक्षित हैं। उन दिनों संजय और माधुरी के अफेयर की बहुत खबरें आया करती थीं और माना जाता था कि जब संजू 1993 में अरेस्ट हुए उसी दौरान माधुरी ने उनसे ब्रेकअप कर दिया। नंबर थ्री, फिल्म में संजू की सिस्टर प्रिया दत्त को कई सीन्स में दिखाया गया है पर कभी भी उन्हें कोई डायलॉग बोलते हुए नहीं देखा गया, पर रियल लाइफ में प्रिया ही तो थी जो संजू को हमेशा सपोर्ट करती नजर आती थी। उनका रोल फिल्म में थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखाना चाहिए था क्योंकि प्रिया हर सिचुएशन में संजू के बहुत क्लोज थी। जब संजू ने अपने आप को सरेंडर किया था तब भी प्रिया उनके साथ दिखी और दोनों उस मोमेंट पे इमोशनल हो गए। अगर प्रिया का रोल फिल्म में और दिखाया जाता तो फादर एंड सन रिलेशनशिप के साथ साथ एक ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप ऑडियंस को इमोशनली अपील कर सकता था। नंबर फोर, फिल्म में संजय की अबू सलेम और कई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ सीन्स दिखाए गए हैं, पर संजू अंडरवर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में कैसे आए ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। संजय की फिल्म यलगार की शूटिंग जब दुबई में हो रही थी तो उसी दौरान संजय दाऊद इब्राहिम से मिले और यहाँ से ही संजय का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन बनना शुरू हुआ। संजय ने दाऊद से मिलने की बात खुद अपने कोर्ट स्टेटमेंट में कन्फेस की थी और माना था कि दाऊद ने ही उन्हें मुंबई में अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट करवाया था। नंबर फाइव, फिल्म में देखा गया कि संजय अपनी स्टोरी अनुष्का शर्मा को बता रहे होते हैं जिन्होंने मूवी में एक बायोग्राफर का रोल निभाया है, पर इस कैरेक्टर का संजू की रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि संजू के लॉयर सतीश मानशिंदे इस कैरेक्टर से ज्यादा क्लोज थे। सतीश ही संजू के लॉयर थे जिन्होंने संजू का कोर्ट केस लड़ा और उन्हें टेररिज्म एक्ट से बरी करवाया। अगर सतीश ना होते तो संजय लाइफ टाइम के लिए जेल भी जा सकते थे। तो अगर अनुष्का के कैरेक्टर को एज अ लॉयर दिखाया जाता तो एटलीस्ट वो संजय की असल जिंदगी से रिलेट किया जा सकता था। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।